जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सेशन में बात करूंगा, यदि आप झारखंड से हैं और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखे हैं और आप क्लास 12th में हैं तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2011 से लेकर 2019 तक ऑलरेडी आंसर की अपलोड कर चुका हूँ। इस सेशन में बात होगा 2020 में पूछे गए जियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट 10 MCQs के बारे में। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जियोलॉजी क्लास 12th 2020। चलिए देखते हैं वही सब क्वेश्चन है इससे पहले ऑलरेडी जो मैं चर्चा कर चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्ग्लोमरेट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, यानी कॉन्ग्लोमरेट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक। कॉन्ग्लोमरेट के बारे में पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और नन ऑफ दीज। सटीक उत्तर होगा प्रश्न संख्या एक का, अवसादी सेल बोले तो सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दो कह रहा है, बॉक्साइट एक प्रकार का डॉट डॉट अयस्क है, यानी बॉक्साइट इज एन ऑर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मिनरल, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, गोल्ड। तो यहाँ पर आपका सटीक उत्तर होगा आपका एल्यूमिनियम, यानी प्रश्न संख्या दो का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिए ए बी या बी ए, आप याद रखिए ए बी या ए बी, यानी बी फॉर बॉक्साइट और ए किन का अयस्क है, तो ए फॉर एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या तीन, ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप सेल क्या है, यानी व्हिच रॉक इज वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट। तो आपका ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप सेल क्या है, यानी पेरिडोटाइट, रायोलाइट, ट्रेकाइट है ना, और बेसाल्ट। तो प्रश्न संख्या तीन का सटीक उत्तर होगा रायोलाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है ये ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप सेल क्या है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि रायोलाइट किन का प्रतिरूप सेल है, तो आपका ऑप्शन में ग्रेनाइट रह सकता है, तो ग्रेनाइट सटीक उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि आपका फर्स्ट में आपका इसी के बारे में मैं समझाता हूँ जब भी जियोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किन महोदय के द्वारा दिया हुआ है, यानी द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, जेम्स हटन। इनके अलावा आपका देख सकते हैं यहाँ पर विलियम स्मिथ और डाना, लेकिन प्रश्न संख्या चार के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका जेम्स हटन सही होगा। जेम्स हटन के ही द्वारा दिया गया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या पांच, तो यहाँ पर कह रहा है डाइक आकृति आग्नेय चट्टानों में कौन सी भाग में मिलती है, यानी डाइक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक इज कैटेगराइज्ड इन डिस्कॉर्डेंट कैटेगरी, कॉनकॉर्डेंट कैटेगरी, कैटेगरी जगह कभी कभी बॉडीज भी रहता है, या बोथ डिस्कॉर्डेंट एंड कॉनकॉर्डेंट कैटेगरीज, या नन ऑफ दिस। तो आप याद कीजिए मेरे थ्योरी वाले सेक्शन में, या इससे पहले कई एक सेशन में भी ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ। तो आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था कि आप याद रखिएगा डी फोर डाइक, और आपको डी फोर आपको याद रखना है डी फोर डिस्कॉर्डेंट, यानी डिस्कॉर्डेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जाम्पल है डाइक। तो एनी डाइक इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज। तो प्रश्न संख्या पांच का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या छह, जीवाश्मों का अध्ययन यानी फॉसिल्स का स्टडी आपका भूगर्भ शास्त्र की किस शाखा में करते हैं, यानी इन विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी आर फॉसिल्स स्टडीड है ना, यानी जियोलॉजी के अंडर हम फॉसिल्स का अध्ययन यानी जीवाश्म का अध्ययन जियोलॉजी के अंडर कौन से ब्रांच में करते हैं। आप क्लास 12th में चार ब्रांच पढ़ते हैं, यानी पेट्रोलॉजी, दूसरा ब्रांच पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक जियोलॉजी, तीसरा ब्रांच पढ़ते हैं आप पैलेंटोलॉजी, चौथा ब्रांच पढ़ते हैं स्ट्रेटिग्राफी। तो आपका पैलेंटोलॉजी में स्टडी होता है फॉसिल्स का,
और ये पैलेंटोलॉजी ब्रांच है जियोलॉजी का। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। तो प्रश्न संख्या 6 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। गाजन या अच्छा सेल अच्छे सूचक है, यानी गौसन और कैप रॉक इज गुड इंडिकेटर ऑफ, है ना, हाइड्रोथर्मल डिपोजिट, प्लेजर डिपोजिट, रेसिडुअल डिपोजिट या सेकेंडरी सल्फाइड डिपोजिट। तो बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड मिनरल्स का उदाहरण होता है, तो इसलिए हम इनके अकॉर्डिंग मिलता जुलता नाम है, इसलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर लगाएंगे डी को, आप टिक लगाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8। तो जैसे कि देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है, यानी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स। इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में मैंने बताया था कि आपका ट्राइलोबिटा इंडेक्स फॉसिल्स का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ट्राइलोबिटा नहीं है। आपके ऑप्शन है केलिमिन, आपका अर्का, गैंगमोट्रीज और मोरेक्स। तो आपका केलिमिन जो है, केलिमिन एक प्रकार का ट्राइलोबिटा के अंतर्गत आने वाले जीव का नाम है, तो यहाँ पर हम सटीक उत्तर लगाएंगे केलिमिन को, यानी प्रश्न संख्या 8 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी ट्राइलोबिटा में ही एक सेशन को बहुत अच्छे से बताया हूँ, और इसमें ये भी बताया हूँ कि ट्राइलोबिटा से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो उस सेशन को आप जरूर देखें ट्राइलोबिटा वाला। तो ट्राइलोबाइट का शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता है? द बॉडी ऑफ ट्राइलोबाइट इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इंटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, फाइव पार्ट्स एंड फोर पार्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 9 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका थ्री पार्ट्स। आपको याद रखने के लिए बोला था कि आप याद रखिए टी से, टी फोर ट्राइलोबाइट, टी फोर कितने भागों में डिवाइड है, थ्री। ट्राइलोबिट के मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो थोरक्स। इस तरह से याद रखने के लिए बोला था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अश्मि भवन के कारण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष किस में परिवर्तित होते हैं, यानी बाय पेट्रिफिकेशन प्रोसेस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर कन्वर्टेड टू। तो बेसिकली पेट्रिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से आपका अश्मि भवन के कारण जो है वो कोल में परिवर्तित होता है, यानी कोयला में। तो आपका कोयला किस प्रोसेस के माध्यम से इनका फॉर्मेशन होता है, तो बाय पेट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो प्रश्न संख्या 10 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप 2020 के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके आंसर की के बारे में समझ गए होंगे। अगर आंसर की को लेकर कोई भी मन में सवाल हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल लिखिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें।